हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू रूबी की जर्नी। और अभी बजे हैं सुबह के 9। वैसे तो मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, आपको मुझे देख के समझ आ रहा होगा कि मैं नहा धो के बिल्कुल तैयार हूँ। बट यार, यहाँ पे बहुत सर्दी है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गाँव वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, और आज हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं। गाँव में सबसे ज़्यादा अलग चीज़ क्या होती है, वो होता है चूल्हा। तो आज मुझे आती नहीं है, पर मैं कोशिश करती हूँ चूल्हे पर रोटी बनाने की, और आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर पाती हूँ, कुछ बन भी पाता है या नहीं। और मिलते हैं फिर आगे। लाओ लाओ लड्डू। हेलो हेलो लड्डू हेलो लड्डू हेलो लड्डू। मामी जी आज मुझे स्वेटर बनाना सिखा रही हैं, देखते हैं मैं कुछ कर पाती हूँ या बिगाड़ ही पाती हूँ इसे। कुछ तो हो रहा है वैसे। अब पीला वाला लेना है? ना ना ना, सफेद सफेद ही लेना है। ये हमारे लड्डू के सॉक्स बन रहे हैं, बहुत टफ है। टफ ना, बहुत आसान है। पता नहीं मामी सही निकला या खराब, ये देख लेना। सही चल रहा है तो चलाती रहे वैसे ऐसे। पूरा स्वेटर नहीं बना पाऊंगी, पर कभी भी पूरा बना लेगी और कोशिश करेगी तो बना लेगी पूरा भी। कपड़े फैला दिए उसने। तो आज मैंने एक नई चीज़ ये सीखी है मामी जी से, और ये मेरी मौसी भी हैं, मामी और मौसी दोनों। हाँ, मौसी थोड़ी ज़्यादा है, मामी थोड़ी कम है। उन्होंने मुझे स्वेटर बनना सिखाया है। कुछ हो गया है, मैंने पूरा बना दिया है। ये बन के कुछ ऐसा लग रहा है। अरे नहीं, मैं झूठ बोली हूँ, ये मामी ने बनाया, मतलब ऐसा बनेगा। मैंने कुछ करने की कोशिश की है, तो इसका क्रेडिट खाली मामी को नहीं जाता है, मुझे भी जाएगा थोड़ा। अच्छा बना रही है। कभी मैं पूरा कुछ बना पाई तो मैं दिखाऊंगी, पूरा बना लेगी। कभी पूरी लाइफ में मैं एक स्वेटर बना पाई तो एक काम दे देना, पूरे दिन के लिए पूरा बनाई देगी आज तो मुझे चूल्हे पर रोटी बनानी है। वो बना पाई तो देखते हैं घर वाले मेरे रोटी खा पाते हैं आज या नहीं। नहीं। चलो चलो जल्दी दो, जल्दी गुड। मुंह धो लो, मुंह मुंह धो लो, मुंह मुंह ये धो लो, ऐसे ऐसे हाथ धो, अपने अपने हाथ धो जल्दी से। ये धो लो इसे। चलो बस, चलो चले, चलो बाय कर दो, बाय भैया को करना, बाय कर दो। अरे देखो ये कौन आया है। फाइनली तुमने बहुत इंतजार करवाया है हमसे, सुबह से हम सोच रहे थे अब शिवांगी आएंगी, अब आएंगी आएंगी, आ गई है। और कैसी हो? बात सही। कैसे? दोनों अलग दे दिया मुझे। ओ वाओ, देखो मैम शूज लेके आई हैं और दो तरीके के शूज ने दिए गए। आज से इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हम कुछ लेने जाए तो दोनों चीजों को मैच करके देख लिए कि सेम है या नहीं है। वैसे इतना पता चल नहीं रहा है हमारा काम। गाइस, पब्लिक के लिए इनको हर कहानी से कोई ना कोई शिक्षा देनी है हर ब्लॉग में, इसलिए इनकी एक टैगलाइन है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। मैं अब भी टीचर ही हूँ यार। हाँ। मैं पहले स्कूल में सिखाती थी, अभी मैं अब घर पे सिखाएंगी। हाँ। ये मेरे स्टूडेंट एग्जाम लिया या ना, देखो इनके स्टूडेंट कितने प्यारे हैं। जो इन्हें पता चल गया है कि आज मैम गांव में आई हुई हैं, तुरंत उनसे मिलने के लिए सुबह सुबह आ गए। इधर पहले रास्ते में देखा मैंने, सही फॉलो कर रही हूँ, तो तुम्हें 100 में से 100 मिलते हैं। थैंक यू। दोस्तों मैं आपका परिचय करा देता हूँ, ये अंकल जी हैं हमारे, जो कि जो मैम की स्टूडेंट है, यानी कि रूबी की जो स्टूडेंट है शिवांगी, आप उसके फादर होते हैं। और ये हमारी आंटी जी हैं, शिवांगी की मम्मी है, जो आज रूबी से मिलने आए हैं। और इन बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कब रूबी गाँव में आए और हम उनसे मिलने जाएं, तो आज इनकी आप इनसे पूछेंगे रूबी से मिल के कैसा लगा इनको। बहुत अच्छा लगा, मैं पहले से जानती थी, शिवांगी बताती थी, तभी मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके बारे में जब बताते कि मेरी मैम ऐसी है। आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया रूबी का? जी। ले लूँ, चुप हो जाओ।
काजल कितनी जल्दी सुना। लड्डू देख लो, देखो देखो गाइज, पापा जा चुके हैं आज खेतों पे। आज हमारे खेतों में पानी लग रहा है और हम सब ने उन्हें एक सरप्राइज देने का प्लान किया है। हम लोग उनके लिए खाना लेके जा रहे हैं, मैं लेके जा रही हूँ, जैसे गांव में लेके जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आगे की क्लिप हम आपको खेतों में दिखाएंगे कि हमने वहाँ कितनी मस्ती की है, क्या किया है, सब कुछ। देखिए गाइस, आपको यहाँ से भी दिख जाएंगे वो खेत हमारे। और हाँ, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि हम लोग उनके लिए खाना लेके आएंगे ऐसे। ये मेरा फर्स्ट टाइम है ऐसे खेतों पे खाना लेके आना, हो सकता है मैं उनके साथ में खा भी लूँ। तो गाइस, तो हम चलते हैं पापा जी के पास। दोस्तों, खेतों में रहने का भी एक अलग ही आनंद है। जंगल कितने अच्छे होते हैं आप देख सकते हैं, एकदम फ्रेश एयर मिल रही है। इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं इधर, देखो गन्नों का बिल्कुल बाग सा खड़ा हुआ है, गेहूं का खेती हो रही है। और पिताजी को देखिए, वो हमारे पिताजी पानी लगा रहे हैं खेतों में। आइए पिताजी से मिलते हैं और उनको खाने के लिए बुलाते हैं। अरे मैं घर ही आ जाता हूँ खाने को, पापा तुम कहीं परेशान हो? ये कह रही है ना, खेत देख रहे हैं इसलिए। हमने बहुत टाइम हो गया, हमने खाया नहीं था इसलिए हम यहीं लेके आए। अरे मैं घर आ जाता हूँ। पर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। ये पानी खुद है, मैं जल्दी रोक रहा हूँ। ये क्या है पापा? ये गेहूँ है, गेहूँ बेटा गेहूँ। ये ईख है, गन्ना। ये जामुन का है, आप खाना खा लो। पापा आना, देखो हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आए हैं। दुर्घटना घटी, तुम इसमें भी जा सकते हो, देख के चलना है। सुनो, इधर से आओ, इधर से मत आइएगा। चैलेंज दे रही हूँ मैं तुम्हें, एक करोगे तुम उस पे? चलो मैं इस पे, कौन पहले पेड़ तक पहुँच जाएगा। ये भी ठीक है, मैं पहुँच जाएंगे चैलेंज। पापा को जाने की बात कर लेंगे। ये लो मेरा दोस्त। क्या ये तू तो रात बाद तो सब कुछ लेकर आ गया, रोटी आदि बस कर लो रोटी। यही तो मेन है आज, आज का मेन चीज यही है रायता। चटनी बनाई है, देखिए चटनी कितनी शानदार चटनी बनाई है। और इसकी रेसिपी अगर किसी को जाननी है तो वो मेरे को मैसेज कर दे, कमेंट करे, ये रेसिपी बताएंगे। अब पापा बताएंगे खाना कैसा बना। बढ़िया, बहुत अच्छा। सबसे अच्छा क्या लगा पापा? बस यही तो मैंने नहीं बनाया है। और क्या अच्छा लगा पापा? सब्जी बढ़िया, चटनी बढ़िया, सब अच्छा है, सब बढ़िया। प्याज मैं खाता नहीं हूँ। अच्छा, ये मुझे नहीं लानी थी सारी। गन्ना खा लें, गन्ना मुझे खाना है। तुम निकाल के लेके आओ, मुझे खाना है गन्ना। तोड़ लो ना। कैसे तोड़ेंगे? उस वाले खेत से तोड़ लो, हमारा है। तो फिर तोड़ेंगे कैसे मेरा? उखाड़ना पड़ता है। हम लोग बचपन में जब मतलब मैं गाँव में रहती थी तो मेरे चाचा जी ऐसे खेतों पे जाते थे खाना खा के,
और मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो एक लाल मिर्च की चटनी होती है, लहसुन और लाल मिर्च की, और पानी के हाथ की जो रोटी बनती है वो, और मट्ठा, ये हम ऐसे लेके जाते थे गाँव में खेतों पे और दूर, और खा के खाना नाक तक ठूंस के उसके बाद फिर हम लोग जाके खेतों में वापस खाते थे, क्योंकि वो बहुत टेस्टी लगता है। और प्याज कच्ची, तो अगर मतलब आप लोगों के गांव है, खेत है, तो आप एक बार ये सब ट्राई करके देखें, मज़ा आएगा। और फिर मुझे बताना कमेंट्स में कि किस किसने ये सब किया है। हमारे पापा तो पूरा लुक उठा रहे हैं। हाँ पापा, माँ को भी खिला दो, पापा खिलाना एक बार ही, पापा खुद से खाओ ना। गाइस, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। परसों वाला जो ब्लॉग था, मैंने उसके कमेंट्स पढ़े थे, एंड उसमें कमेंट्स में ये लिखा था कि आपकी जो सासू माँ है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट नहीं है, शायद उनके बराबर तो सॉफ्टी कोई नहीं हो सकता। वो इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, और भोली इतनी क्यूट है। हाँ मतलब, क्योंकि जब हम लोग आए थे तो उन्होंने, वो शायद हंसी नहीं या कुछ भी, जैसे आपको लगा कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है। उन्हें जब से हम लोग यहाँ से गए थे, एक हफ्ता हमें हो गया है यहाँ से गए हुए, तो वो हमारी चिंता में तो जाए। बहुत प्यार मिल रहा है, जितना तो मुझे भी नहीं मिला कभी। मैं हाँ मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरे आने के बाद महाराज जी का जो प्यार है वो भी मुझे मिल गया है। बेचारे ऐसे देखते रहते हैं कि कब मेरा नंबर आएगा, कब मेरा नंबर आएगा। तो ये जिसने भी कॉमेंट किया था, जिसने भी कॉमेंट किया था, मतलब मुझे बुरा नहीं लगा, पर मैं उन्हें इस चीज़ का रिप्लाई दे रही हूँ कि मेरी सासू माँ जैसी शायद ही इस दुनिया में कोई और बनी हो, होंगी, पर सेम डिटो कॉपी नहीं हो सकती। और मैं चाहती हूँ कि आगे जितने भी मेरे जन्म हों, मुझे यही सासू माँ, और अच्छा हो कि ये मुझे माँ मिल जाए। बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। देखो ब्लश कर रही है उनके गाल। इसके लिए एक नया चैलेंज है, ये दो ऐसे पतले वाले रास्ते हैं, जो पहले जाके पेड़ को छू देगा वो जीत जाएगा। ठीक है, तो पेड़ तो तुम्हारी वाले रास्ते पे ही है, मीन्स आपको उस तक पहुंचना है। ठीक है, मैं थ्री बोलूंगी तब तक जाना है, भागना नहीं है, तुम हार जाना प्लीज। 1 2 3 स्टार्ट। अनफॉर्चुनेटली भैया, मैं आज तक इनसे हर बैट में जीता हूँ। ये हर बार मुझे हारने के लिए बोलती है, लेकिन ये खुद ही हार जाती है, क्योंकि मैंने जीतने ही नहीं देता। मैं जीती हूँ। वैसे भी बहुत छोटा चैलेंज था मेरे लिए। अरे 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 अरे, गिर जाती है भी लाली, चलो कोई बात नहीं। गाइज, इनको आज स्कूटी चलाना सिखा रहे हैं। वैसे ये बोल रहे हैं कि इनको पहले से थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन आज थोड़ी आती है, पर मेरे ऊपर निर्भर मत रहना। चलो आप बैठक चलाओ तो सही यार, संभाल लेना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट करो। अरे दोनों पहले तो ब्रेक लगाओ ना यार। अच्छा, आती भी है नहीं यार, ऐसे मत करो भैया, स्कूटी का इंश्योरेंस है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। स्कूटी का इंजन ऐसे मत करो। चलो हल्के हल्के दो प्लीज। क्यों नहीं जा रही है यार तुम? ऐसे करोगे? चलो हाँ, रुको मैं करती हूँ। बाइक आ रही है सामने से। सुनो, आप अपने पैर नीचे रखना प्लीज। हल्के हल्के दे दीजिए। ओके, चुप जाओ। क्या जाएगी
आया नहीं आया लगता है ये पागल हो गया। हारा वैसे इससे अच्छा पानी मुझे नहीं लगता कोई। देखना देखो ठीक क्या आया मेरे बच्चा आया इससे ये पैर रख ले मेरे को। तो गाइज आप देख सकते हैं रूबी ने चूल्हे की रोटी बनाई है और इसको पूरी जो चूल्हे की रोटी की पूरी इंटरेस्टिंग कहानी है वो आप सब पार्ट 2 में देखेंगे और कल आपसे फिर मिलते हैं पार्ट 2 में।